yeah

उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती लेंस लेंस ऑफ आई, आई जो का है दोनों आईज के जो लेंस हैं इनमें भी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती अगर लेंस में ब्लड सप्लाई होंगी या ब्लड वेसल्स होंगी तो हम जो देखेंगे बीच में ब्लड वेसल्स ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगी ब्लड वेसल्स हमें दिखेंगी सो so, कॉर्निया ऑफ आई लेंस ऑफ आई ये क्या है एपिथीलिया के स्ट्रक्चर्स हैं तो एपिथीलियम एक टिश्यू है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती ब्लड वेसल्स नहीं होती एवस्कुलर होते हैं तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में भी ब्लड वेसल्स नहीं होती क्योंकि एपिथीलिया क्या है हमेशा उसमें रिस्क रहता है डैमेज होने का आउटर कवरिंग है इसलिए उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है सो so, कॉर्निया और लेंस अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं सो so, ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं सराउंडिंग स्ट्रक्चर से सो so, जिन भी स्ट्रक्चर में ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर से अपना न्यूट्रिशन लेंगे जैसे कि कॉर्निया और लेंस के बीच में एंटीरियर चैम्बर प्रेजेंट होता है जहाँ पर एक फ्लूड प्रेजेंट होता है एक्व ह्यूमर वहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं नेक्स्ट चलते हैं एपिथीलियर लेयर ऑफ स्किन सो so, जो स्किन की आउटर लेयर है पिथीलियर लेयर एपिडर्मिस देन हेयर देन नेल्स इनमें भी ब्लड वेसल्स नहीं होती ब्लड सप्लाई नहीं होती तो ये एपिथीलियर लेयर ऑफ स्किन हेयर नेल्स ये सभी क्या हैं ये एपिथीलिया के ही स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि जो हेयर नेल और आउटर लेयर है हमारी स्किन की ये किससे बनी है स्ट्रेटिफाइड कैरेटेनाइज एपिथीलियम से सो so, इनमें भी ब्लड वेसल्स नहीं होती और ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से जैसे कि डर्मिस से क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं क्योंकि एपिथीलियल जो हमारी स्किन की है हेयर है नेल्स हैं ये भी डैमेज प्रॉन है इनको डैमेज का खतरा हमेशा बना रहता है तो इसलिए इनमें ब्लड वेसल्स नहीं है प्लस ये रिप्लेस भी होते रहते हैं नेक्स्ट चलते हैं टूथ इनेमल पे. तो इनेमल, इनेमल क्या है हमारे दांत का टूथ का आउटर कवरिंग आउटर मोस्ट ये इनेमल क्या होता है ये नॉन लिविंग सेल से बना होता है हार्ड कैल्सिफाइड मटेरियल होता है इसमें भी ब्लड सप्लाई नहीं होती नेक्स्ट इस कार्टिलेज कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है कार्टिलेज में भी ब्लड सप्लाई नहीं होती कार्टिलेज भी सराउंडिंग टिश्यू से अपना न्यूट्रिशन लेता है जो सराउंडिंग टिश्यू में कैपिलरीज होती हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है और ये सभी स्ट्रक्चर्स न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सो जो दूसरे सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनसे न्यूट्री डिफ्यूज होकर मीन्स हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाते रहते हैं सो दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर्स जिनमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती एंड दे आर ए